हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, करण देओल ने अपने पिता सनी देओल के निर्देशन में बनी फिल्म पल पल दिल के पास से एक्टिंग करियर शुरू किया था, लेकिन इस बार वे बॉलीवुड के सिंघम यानी अजय देवगन के साथ काम करने की तैयारी कर रहे हैं। मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक करण जल्दी फिल्म वेली में नजर आने वाले हैं। फिल्म में करण के चाचा अभय देओल लीड रोल में नजर आ सकते हैं। बॉलीवुड में देओल परिवार का हुनर सभी ने देखा है। धर्मेंद्र को आज भी बी टाउन का हीमैन कहा जाता है। सनी पाजी और बॉबी देओल के फैंस उनकी एक्टिंग को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप देओल परिवार के एजुकेशन से जुड़ी कुछ बातें जानते हैं? चलिए आज हम आपको बताते हैं कि देओल परिवार में कौन किससे ज्यादा पढ़ाई कर चुका है और कहां से। सबसे पहले बात करते हैं परिवार के मुखिया धर्मेंद्र यानी हीमैन की। उनका पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देओल है। उन्होंने फगवाड़ा के आर्य से हाई स्कूल एवं रामगढ़िया स्कूल से मैट्रिक तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद करण के पिता सनी देओल इनकी स्कूलिंग सेक्रेड हार्ट बॉयज हाई स्कूल महाराष्ट्र से हुई है। वहीं उन्होंने रामनिरंजन आनंदीलाल पोदार कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया है, जबकि चाचा बॉबी देओल ने अपनी स्कूली पढ़ाई जमनाबाई नरसी स्कूल मुंबई महाराष्ट्र और अजमेर के मायो कॉलेज से की है। वो कॉमर्स में ग्रेजुएट है। उन्होंने मीठीबाई कॉलेज मुंबई से अपनी ग्रेजुएशन की है। वहीं देओल परिवार के उभरते सितारे सनी देओल और पत्नी पूजा देओल के बड़े बेटे करण देओल ने अपनी पढ़ाई इकोल मोंडियल वर्ल्ड स्कूल जुहू मुंबई से की है। ये वही स्कूल है जिसने एजुकेशनल वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग के 14वें संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कैटेगरी में टॉप रैंक हासिल की है।